हेलो जी, तो कैसे हैं आज देखें जी, मौसम धुंधी धुंधी है, हल्की हल्की सी। और ये देखें क्या खोलना है। अब नहीं इसने बोल रहा, इधर मुर्गियां खोलने लगे हैं, अबू आ गए हैं। धूप निकली नहीं, अभी धूप थी फिर से गायब हो गई है। मौसम बड़ा है ना, देख सकते हैं तो मुर्गियां ये देखें जी। देख रहे हैं आप, चल इन्हें दाना डाल जाके। अच्छा जी जनाब, तो ना थोड़ा सा ना फास्ट फूड का सामान लेने जा रहा हूँ, जैसे कि हो गया आपका बोला नगेट्स हो गए, पैटीज हो गई, और कुछ टिक्का वगैरह भी लेके आके सामान टिक्के का। तो फटाफट से जी मैं चलता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, बारिश हो रही है, तो मैं जाके ना तो फटाफट से ले जाता हूँ, और उसके बाद आपको भी खाता हूँ। 2000 years later। दरवाजा नॉक हुआ तो हम बाहर जाके देखते हैं कौन आया है। वेलकम, क्या लाए हो आप? अंदर चलें पहले। जी जी जरूर। आए जी, आपको दिखाते हैं क्या क्या लेके आए हैं। दिखाएं तो इधर जी, सबसे पहले ये माहम की फरमाइश थी, ये विंग चिकन के पार हैं, और इधर ये दुमची है, और इधर आ जाए ये है जी बर्गर पैटी। ये देखें, और ये हैं जी चिकन बिस्किट, ये देख सकते हैं आप चिकन बिस्किट हैं जी। इधर हमारे पास हैं जी एक पैकेट ये है नगेट्स का, और एक पैकेट ये है नगेट्स का। वैसे भी मौसम इतना प्यारा हुआ हुआ, तो ये सब चीजें इसी मौसम में देख लेती हैं। ये देखें जी, एक ये सामान आ गया, ये आ गया जी चिकन बिस्किट, बर्गर पैटी, चिकन नगेट्स, दुमची और पार। तो जी ये चीज़ें आ गई हैं, अब इनको रखते हैं फ्रीज़र में, और जो हमारे पास है दुमची और पार, इन्हें मसाला लगा के फ्रीज़र में रखेंगे ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। और आज हसन साहब जो हैं वो गए हुए हैं ऑफिस, और ऑफिस वालों की तरफ से जी पार्टी है उधर, तो वो मैड जनाब जी आज लेट आएंगे। तो मैं कहा चलो यार, मौसम ये देखें ना, बारिश अभी भी हो रही है, मौसम चेक करें, तो मैंने कहा जी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, फिर आज मैं लेके आया हूँ, और देखते हैं जी आगे क्या प्रोग्राम बनता है। अभी तो जनाब जी भी ऑफिस हैं, ये देखें जी। सिलेंडर इधर देखो पर जिंदगी चल रही है। क्या कर रही है? खाना बना रही है दोपहर के लिए, गैस आ नहीं रही। ये क्या बनाया? आलू मटर बनाए हुए हैं। तो सी खाना है, गैस आ नहीं रही जी। है देखो सिलेंडर ले के रखे है, कोई आया ना कहे के भाई कंप्रेसर लाए हैं जो, ठीक है ना। ये जी मैडम जगह बनाते हो गए। चीज चीज थले रखा गया ऊपर ही सही, काफी दिनों बाद से इस्तेमाल करनी है तो फिर नहीं हो वाला की गल है, ड्राई हो जाती चीज है ना, थले रखना। लो जी ये भी जनाब जी, इसको थोड़ा सा काम देखो। अच्छा जी, तो ये देखें जी दुमचियों को लग गया मसाला सारा, ये देख सकते हैं आप, और इधर जी पर इनको भी मसाला लग गया। ये देखें जी, इधर आग जलाई हुई है, बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंड भी लग रही थी, अब जब से आग जलाई है ना बड़ा सुकून हो गया, और मौसम
बिल्कुल साफ। अभी जी हसन साहब का वेट है, उतनी देर ये मैं सीखों पे लगाता हूँ, तो फिर जो है ना बारबेक्यू को बनाना शुरू करेंगे। ये मैं अम्मी को कैमरा पकड़ा रहा हूँ और सीखों पे लगाते हैं। इधर करो क्या, ये जी ऐसे लगाएंगे, ये मैं ऐसे सारी लगाता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये देखें जी, इस तरह ये भी लगा ली है। ऐसे फटाफट ये मैं सारी लगाता हूँ, फिर आते हैं जी इनकी तरफ, इनको भी ऐसे ही लगाएंगे और फिर रोस्टिंग का प्रोग्राम जो है ना वो शुरू होगा। ये देखिए जी, बड़ी लेवल की ये तो तैयार हो गई है। अच्छा जी, तो ये भी ना पकने के लिए रखे हुए थे, मुझे अचानक से याद आया, मैं वीडियो भी बना रहा तो यार कभी कभी हालांकि वो ना थोड़ा थोड़ा और लगेगा, क्यों ला लेने फिर। हेलो जी, तो इधर ही क्या प्यार क्यों, तो वो है कि इंगठी जो लग के लगता है। चलो मैं नान पकाना था, फिर खाना खाना। बर्गर पैटी डाली है, ये एक बिस्किट डाला मैंने ट्राई करने के लिए। इधर टमाटर प्याज और ये दो बन है, इनको रखा हुआ है। ये एक बनाने हैं, मक्खन में टोस्ट करेंगे बनों को, तो जैसे ये फ्राई होती है ना, तो इसके बाद मैं बन फ्राई करके आपको दिखाता हूँ, करते हुए भी दिखाऊँगा। ये तो आई थिंक हो गई है, ये देखें मैं फड़ा कितने ना यार, यार उन्हें ना कह लग जाना। ये देख रहे पैटीज, ये देखें मैंने फ्राई कर ली है और क्रिस्पी भी मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ऐसे ही क्रिस्पी रहने देने, इधर गर्म हो गया ये, तो ऐ देखो हूँ मज़ा चेक करो जो तुम सही बर्गर खाने वाले हो। अगर ये बन टोस्ट करने हैं, तो ज़्यादा दो भी इतना 8,000 बस ये आ गया 8,000 नमी चलो ना कुछ नहीं किसे और ना ना हाँ आपको रखा मेरे को नहीं तो चलो जी मैं उन्होंने टोस्ट करना तो तुम मिलना बाद। यार जरा ना थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो गया, ये देखें जी नीचे चीज़ मेल्टेड चीज़ है, ये भी मेल्ट करके मैंने डाली है। पैटी प्याज केचप
और ये कैप, कैप के ऊपर भी हमने केचप लगा दिया इसके। और ये देखें जी, बड़ा ही ज़बरदस्त बर्गर तैयार ही हो गया है। चीज़ बर्गर तैयार किया आज और लेवल का तैयार हुआ है। आपको इसकी मैं 2-3 पिक्चर्स लेता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। अच्छा यार, मैंने सोचा आपको भी ना इसका ओरिजिनल रिव्यू दे दूँ। टेस्ट मैंने चेक किया, बड़ा ही लेवल का है। आपको भी टेस्ट चेक करके बता दूँ। ओहो यार, ये तो, ये जो चीज का लेवल आ रहा है ना, आपको क्या बताऊँ। ऊपर से टमाटर, प्याज, केचप और वो जो पैटी है उसका एंड लेवल आ रहा है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा घर पे। चीज ना हो कोई बात नहीं, वैसे ही ट्राई कीजिएगा। बीच में थोड़े से क्यूकम्बर वगैरह ये भी डालिएगा, मायोनीज डालिएगा। मेरे पास मायोनीज की शॉर्टेज थी, चीज़ पड़ी हुई थी, तो मैंने ना चीज़ डाल दी और क्या कमाल का टेस्ट आया। तो ये मैं खाता हूँ फटाफट से, ठंडा हो गया यार आपसे बातें करते करते। तो मिलते हैं जी थोड़ी देर बाद। अच्छा जी जनाब, तो ना एक ना रेसिपी ना मैं ना ट्राई कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देख सकते हैं आप, ये ना मैंने अभी बनाई है। अभी जब अगर मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं ज़रा 2-3 तस्वीरें ले लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ।